बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर तरफ एक ही शोर है, ऑनलाइन क्लासेस, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस। अगर मैं किंडरगार्डन और प्राइमरी यानी 1-2 तक की बात करूँ, तो टीचर्स भी परेशान हैं कि अच्छी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, सक्सेसफुल नहीं हैं। तो पेरेंट्स भी परेशान हैं कि बिल्कुल स्टूडेंट्स अटेंशन नहीं दे रहे, उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस से। तो आज की मेरी इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस में इन चीज़ों को ऐड कर दिया जाए तो मैं गारंटी देती हूँ कि बच्चा हर चीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ से लर्न कर सकता है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस में ही क्यों ना हो। बस ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए और बहुत अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ या गेम्स को अपने ऑनलाइन क्लासेस में ऐड कर लिया जाए। ये बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। कुछ टीचर्स इन एक्टिविटीज़ और गेम्स से वाकिफ होंगी, लेकिन होता यह है कि हम इग्नोर कर देते हैं और समटाइम हमारे जहन से निकल जाता है, और हो सकता है कुछ इसमें आपको नई चीज़ें भी मिलें। चलें, मैं आपका इंतज़ार ज़्यादा नहीं करवाती आपको, बट स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक भी रेफ़र करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जी, तो अब मैं थोड़ी सी टिप्स दे दूँ ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, फिर हम गेम्स की तरफ बढ़ेंगे। टिप्स में सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब भी ऑनलाइन क्लास आप स्टार्ट लें, उससे पहले प्रिपेयर हों। आपका तमाम मटेरियल जिसे आपने प्लान किया हो, वो आपके सामने आपकी टेबल पे मौजूद होना चाहिए। आपका माउथ पीस, आपका हेडफोन सब रेडी होना चाहिए, तमाम कनेक्शंस प्रॉपर लगे हुए होने चाहिए। ये उस वक्त जब आप बच्चों के सामने बैठे हैं और उस वक्त आपको ये पता चले कि आपने कोई एक कनेक्शन मिस कर दिया या आपकी फ़लाँ चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है, तो आप यकीन करें तमाम अट्रैक्शन और बच्चों की जो आप उस वक्त वार्म अप क्लास ले रहे होते हैं, वो सब ज़ीरो हो जाती है। सबसे पहले तो इसको इस हवाले से रेडी। दूसरा, आप अपने ऐप का वाइट बोर्ड यूज़ करें, बट छोटे बच्चों के लिए बेहतर है कि आप अपने पास एक वाइट बोर्ड रखें और हमेशा मार्कर्स 4 कलर के एटलीस्ट रखें अपने पास, बोर्ड मार्कर, और उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद सबसे अहम बात, आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं या 15 स्टूडेंट्स हैं या 20 हैं, आपको अपने हर स्टूडेंट को मुखातिब करना है अपनी होल सेशन के दरमियान। आप उनका नाम लें, उन्हें मुखातिब करें, उनकी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करें। क्लास ऐसे लें जैसे आप अपनी नॉर्मल रूटीन की क्लास लाइब्रेरी ले रहे होते हैं। तमाम बच्चों को अपने साथ लेके चलें। जहाँ आपको महसूस हो मेरी क्लास थोड़ी सी डाउन हो रही है, आप फ़ौरन वार्म अप करें बच्चों को और इसमें से कोई भी एक्टिविटी उठा के अपना वो मौजूदा लेसन उसके ज़रिए से पढ़ाना शुरू कर दें। और हो आप बेहतर तो यही है कि आप अपने तमाम लेसन्स प्लान ही ऐसे करें कि इन एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड कर दें। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, में जो 10 एक्टिविटीज़ बता रही हूँ, इसमें आप हर जगह अपना लेसन पुट करके उस एक्टिविटी की मदद से, उस गेम की मदद से आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, और बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ेगा और आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि आपकी ऑनलाइन क्लास में बच्चे को समझ नहीं आया। एकदम A1 सक्सेसफुल ऑनलाइन क्लास होगी, मैं इसकी गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये कि सबसे अहम और आखिरी बात जो मैं टिप्स में बताऊंगी, बहुत हम्बल, पोलाइट और काइंड तरीके से पढ़ाएं, ताकि आपका पेशेंस जितना होगा बच्चा अपना पेशेंस दिखाएगा। आप ही अगर उकता रहे होंगे, आपका ही अगर टेम्पो टूट रहा होगा, आपकी ही अगर वॉइस ख़राब हो रही होगी, तो आपका बच्चा कभी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पर है इस वक्त साइमन सेज। जी, साइमन सेज ये बहुत ही मशहूर गेम है और इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। साइमन सेज, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस बच्चों से करवा सकते हैं। साइमन सेज टच योर नोज, साइमन सेज टच योर आईज, साइमन सेज टच योर हेड। आप अपनी ऑनलाइन क्लास में जैसे ही महसूस करें कि आपके बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप फ़ौरन इस एक्टिविटी या इस गेम को स्टार्ट कर दें और बच्चे एकदम से इनर्जेटिक और वार्म अप हो जाएंगे। नंबर 2 पर है हमारे पास, कैन यू ट्रस्ट योर ईयर्स। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें करना ये है कि आप पहले से कुछ आवाज़ें, जो साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं, वॉइस हैं, रिकॉर्ड करके रखेंगे, और जब आप क्लास ले रहे होंगे तो बच्चों को की आंखें बंद करवाएंगे और उनको आवाज़ें सुनवाएंगे और उन्हें कहेंगे कि क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सी आवाज़ है। जैसे मेंढक की आवाज़, परिंदों की आवाज़,
या पत्तों की आवाज़, या फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़, इस तरह बहुत सारी आवाज़ें अपने पास रिकॉर्ड करके रखें और बच्चों से गाए बगाए डेली कभी ना कभी इस चीज़ को पूछते रहें। इससे बच्चों की कंसंट्रेशन डेवलप होती है और उन इसके साथ साथ उनको बहुत सारी वोकैबुलरी भी मिलती रहती है कि किस आवाज़ को क्या कहते हैं। जब बच्चा पहचान लेगा कि ये परिंदे की आवाज़ है तो आप फ़ौरन कहेंगे परिंदे की आवाज़ को क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग। तो इस तरह आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटी क्लास को ले सकते हैं जी। तो तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर है, कैन यू ट्रस्ट योर आइज। विजुअल एक्टिविटी या गेम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी कलर किस बच्चे को शो करें, जैसे आपने रेड कलर दिखाया, आपने पूछा विच कलर इज़ दिस, और आप कहें उस वक्त उस बच्चे को, जो भी आपके सामने बच्चे हैं उनमें से वन बाय वन किसी का भी नेम लें और उनसे पूछें कि इस वक्त आपके आसपास रेड कलर की कौन सी चीज़ें हैं। ऐसे ही दूसरा कलर स्विच करें और किसी और बच्चे से क्वेश्चन करें। इस तरह आप बच्चों से डिफरेंट कलर्स रिकग्नाइज करवा के डिफरेंट कलर्स की चीज़ें ढूंढवा सकते हैं और इस तरह बच्चों में एक हैबिट डेवलप होती है कि वो इर्द गिर्द की चीज़ों पर गौर करना शुरू कर देते हैं और आपकी क्लास ऑटोमेटिकली वार्म अप हो जाती है। ऑन द फोर्थ नंबर वी हैव शो एंड टेल, यानी चौथे नंबर पर जो ये एक्टिविटी है ये मेरी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है। इसे मैं अपने स्टूडेंट्स और बच्चों के साथ बहुत शौक से प्ले करती हूँ। इसमें आप इसे आप रोज़ भी ऐड करें अपने ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट से अगर रिजल्ट चाहते हैं तो उसे शो एंड टेल में ऐड कर दें। शो एंड टेल के ज़रिए आप बच्चों को नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब सब बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। अब इसमें आपने अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखना है और रोज़ाना अगले दिन के लिए बच्चों को पहले से सेलेक्ट करके कह देना है कि कल इन इन बच्चों की टर्न है और ये बच्चे अपने साथ शो एंड टेल के लिए ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो 3 to 4 स्टूडेंट्स की डेली इस टर्न को लाएँ और उन बच्चों से भी करवाएँ, बट आपको खुद अपने ऑब्जेक्ट को डेली ला के शो एंड टेल करवाना है। आप यकीन करें ये बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। अगर आपको शो एंड टेल नहीं अच्छी तरह करना आता तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना के पेश कर सकती हूँ। नंबर 5 पे है पिक्चर डिक्शनरी। इसमें आप बोर्ड पे कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, आप अपने ऑनलाइन उसमें जो भी आपके पास वाइट बोर्ड है वो उस पे ड्रॉ करें, या आप बेशक वाइट बोर्ड पे डायरेक्ट वीडियो बनाते हुए दिखाते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। आप ड्रॉ करें डिफरेंट थिंग्स, शेप्स को बनाते जाएं और पूछते जाएं क्या लग रहा है, हर दफ़ा पूछें क्या लग रहा है क्या लग रहा है, और एंड तस्वीर तक आपको बहुत सारे बच्चों की तरफ से नाम पता चलना शुरू हो जाएंगे, ये क्या है ये क्या है। और इसमें थोड़ा सा मैस भी होगा, बच्चे शोर भी करेंगे, और कभी करने दें बच्चों को ताकि बच्चे थोड़ा सा खुल सकें। दोबारा फिर दूसरी एक्टिविटी ऐड करके बच्चों को आप डिसिप्लिन में ला सकते हैं। ये एक्टिविटी ड्राइंग की आप बच्चों से जब करवाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसके ज़रिए ना सिर्फ आप पार्ट्स ऑफ बॉडी डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स और किसी भी चीज़ के सिखा सकते हैं, साथ में वोकैबुलरी भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ बच्चे को एंजॉय भी करवा सकते हैं। इसके बाद आप बच्चों को टास्क देंगे कि अब आपने यही एंड अपने तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एंड बनाई हुई है, आप उन्हें कहें मैंने बनाई है, अब आप बनाएंगे और आप मुझे इसकी पिक्चर शेयर करेंगे, होमवर्क के तौर पर आप उन्हें दे सकते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है मेमोरी चैलेंज। बिलीव मी ये बे इंतहा बेहतरीन एक्टिविटी है अगर आप अपने बच्चे के माइंड को शार्प करना चाहते हैं और उनकी मेमोरी को लॉन्ग करना चाहते हैं। आप इसमें कुछ कार्ड्स रेडी करके रख सकते हैं, आप इसमें स्लाइड्स भी बना के रख सकती हैं, आप फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने हर बच्चे के लिए अलग अलग रेडी करें स्लाइड्स या कार्ड्स। ज़रूरी नहीं डेली तमाम बच्चों की टर्न आ रही हो, और कुछ के पास अगर कम बच्चे हैं तो डेली ही अपने तमाम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें ये करेंगे कि सपोज़ अगर आप फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए कर रहे हैं तो आपके पास 4 to 5 और मैक्सिमम 6 कार्ड होने चाहिए इस छोटे एज के बच्चों के लिए। आप वन बाय वन कार्ड दिखाते जाएंगे और उसके बाद आप उसको छुपा लेंगे और कहेंगे हाँ जी अब आप बताएं आपने कौन कौन से कार्ड देखे। 10 कार्ड्स अगर आप दिखा ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएं और 10 कार्ड तक चले जाएं, इस तरह आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी का वो पार्ट यूज़ करने का मौका मिलेगा जिससे मेमोरी शार्प होती है और वो याद करने लगता है, लर्निंग जिसमें इन्वॉल्व होती है। 7th नंबर पर है हमारे पास फ्रीज गेम।
आपने बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे जिसमें फ्रीज एंड फ्री के हवाले से एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। आप अगर इसको सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड लेवल आप सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर कुछ पिक्चर्स भी दे रही हूँ जिस पे उनके लिंक्स लिखे हुए मौजूद हैं, आप उसे सर्च कर सकते हैं। पोइम्स, म्यूज़िक भी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसी बात है। ऑनलाइन क्लास में यहाँ पे हमारे यहाँ स्कूल्स में वो म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, तो जब ऑनलाइन हो रहा होता है तो अगर आप ये ऐसे सॉन्ग्स अपने पास रिकॉर्ड कर लें और उसके ऊपर बच्चों से ये एक्टिविटी कराएं, बहुत फन और इंटरटेनमेंट के साथ साथ अटेंशन डेवलप करती है। यानी कि बच्चा एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा होता है कि कब मुझे फ्रीज होना है, कब फ्री होना है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी मूवमेंट रखता है। एक्सीलेंट है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप प्ले कर सकते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास जो एक्टिविटी आ रही है, व्हाट इनसाइड द बैग। एक्चुअली इसमें हम मिस्ट्री बैग यूज़ करते हैं और ये किसी भी चीज़ की को डिस्क्राइब करने में मदद करती है ये एक्टिविटी। बच्चा टोटली तौर पे इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। आपको सबसे पहले अपना मिस्ट्री बैग रेडी करना है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखने हैं जो आप पहले बच्चे को पढ़ा चुके हैं, जिसकी वोकेबलरी बच्चे के पास मौजूद है। और आप इसको आप चाहें तो क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, लाइक आप सिर्फ शेप्स रख सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स रख सकते हैं, और बेस्ट है कि आप मिक्स वोकेबलरी रखें, कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लें। तो इसमें आप, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। इन शॉर्ट, हम इसमें बैग में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कर देते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, छोटे छोटे टॉयज की सूरत में होते हैं, और फिर हम बैग को बगैर देखे बच्चों से के सामने क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि जिस चीज़ को मैंने हाथ लगाया है समथिंग ऐसी है कि उसके बारे में फिर हम डिस्क्राइब करते हैं बगैर दिखाए के, लाइक उसके देखें दो विंग्स हैं, इसकी एक बॉडी है, इट्स लुक लाइक अ बर्ड की तरह इसकी बॉडी लग रही है, बट ये बर्ड नहीं है, इसके विंग्स भी हैं, ओ ये देखें इसके कुछ फैन सा भी फील हो रहा है। तो इस तरह करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और फिर उसके बाद बच्चों से आपको बहुत सारी आंसर्स आना शुरू होंगे, और जब आप वो ऑब्जेक्ट बाहर निकालेंगे तो जिन बच्चों के राइट आंसर होंगे वो एकदम खुशी से बहुत ज़्यादा उछल पड़ेंगे। और इस तरह से आप जब मज़ीद ऑब्जेक्ट्स दिखाना शुरू बता के बारे में पूछना शुरू करेंगे, उनको बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे और वो आंसर करने लगेंगे, तो टोटली आपका पूरा ग्रुप मुकम्मल तौर पे आपकी क्लास इन्वॉल्व होगी आपके साथ। नंबर 9 पे हमारे पास है कैन इनोवेट। यानी आप बच्चे के अंदर अब यहाँ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए, बल्कि तमाम ही बच्चों के लिए ज़रूरी है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसमें आपने कुछ एक्शंस जो हैं, चाहे आप उसमें एक्शंस कर लें या चाहे आप उसमें कुछ वर्क करने का काम कर लें, ड्राइंग ऐड कर लें कि ड्राइंग करना है, एक्शन करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। आपने कुछ पेपर्स पे स्ट्रिप्स बना के एक जगह एक पॉट में रख दी। अब उसमें से आप सबसे पहले एक बच्चे को खड़ा करेंगे और उससे या तो आप उन पे स्ट्रिप्स पर नंबर डाल दें, उनसे पूछें कि आप कौन सा नंबर लेना चाहेंगे, वो जो नंबर कहेगा उस स्ट्रिप को खोल के आप पढ़ना शुरू करें। उसके अंदर अगर लिखा हुआ है कि जंप, तो वो फौरन उसके असूल पहले बता दीजिएगा, कहेगा आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो वो जंप करके दिखाएगा। और ये भी कि अगर आपका बच्चा रीडिंग करना सीख चुका है, यानी उसको तमाम उसको अच्छे खासे एक्शन वर्ड्स पढ़ना आते हैं जिसको हम साइट रीडिंग कहते हैं, तो आपने वो स्ट्रिप खोल के ख़ुद दिखानी है उस बच्चे को कि वो बच्चा खुद पढ़े, और जब वो बच्चा वो पढ़ के एक्शन करेगा तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको वो अप्रिशिएट करें। सपोज़ एक बच्चा है, मैंने उससे पूछा कि आप कौन सा नंबर लेना चाहेंगे, उसने कहा कि मुझे नंबर 2 चाहिए। नंबर 2 की स्ट्रिप मैंने ओपन करके बिल्कुल सामने स्क्रीन कैमरे के सामने कर दी और उस बच्चे ने उसको रीड आउट किया और उसके अंदर लिखा हुआ है कि यू हैव टू सिंग, तो अब उसको सिंग करना है, वो कोई भी एक्स वाई जेड सॉन्ग या पोएम सिंग करेगा और उसके बाद आप उसको अप्रिशिएट करेंगे इसी तरीके से। मगर हर किसी ने कहना है आई कैन डू इट, ये जुमला बोलना है उनको, उनके अंदर इस चीज़ को पैदा करवाना है, वो ये बोलने के इतने आदी हो जाएं कि जब भी कोई उनको टास्क करने को मिले तो वो समझें आई कैन डू इट,
और उसके बाद अप्रिशिएशन भी बिल्कुल वैसे ही करनी है। और इन केस अगर किसी कोई बच्चा रीड नहीं कर सकता या उसको नहीं कर सकता, तो उसको बिल्कुल मायूस होने ना दें, बल्कि उसे ये कहें, उसे हिंट दे के उससे करवाएं, और जब वो कर ले तो उसे वैसे ही अप्रिशिएट करें। आई होप ये एक्टिविटी भी आपके सर्कल टाइम या जो ऑनलाइन क्लास है उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। नंबर टेन पे हमारे पास है पपेट्स। स्टोरीज आप सुनाते हैं, लेकिन आप स्टोरीज पपेट के ज़रिए से दें। ऑनलाइन क्लासेस में इस वक्त बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की ज़रूरत है, और पपेट्स बेहद अट्रैक्टिव होते हैं। जो पपेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हैंड्स पपेट, जो फिंगर पपेट्स हैं, वो कार्ड्स के बन जाते हैं, और जो दूसरे पपेट्स हैं वो सॉक्स और ग्लव्स की मदद से बन जाते हैं। अगर नहीं आते हैं, जाएं सर्च करें, गूगल करें और यूट्यूब पे देखें, आपको फौरन आसान तरीके मिल जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ डू ऐड द पपेट्स, आप इनको ज़रूर ऐड करें अपने रोज़मर्रा की स्टोरीज़ में जो आप ऑनलाइन देते हैं। कोई भी एक कैरेक्टर रोज़ ले लें, दो कैरेक्टर सिर्फ ले लें अपने दोनों हैंड्स के ऊपर, और एक शॉर्ट सी स्टोरी बनाएं। बिल्कुल लॉन्ग स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट स्टोरी बनाएं और बच्चों को सुनाएं। और इसमें एक काम एक करें कि रोज़ जो भी स्टोरीज बनाएं उसमें अपने एक बच्चे को भी ऐड करें जो कि एक गुड कैरेक्टर कर रहा है। ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप रोज़ाना एक एक बच्चे को ऐड करेंगे और सबकी टर्न आ जाएगी और फिर दोबारा एक रिटर्न शुरू होगा, तो बच्चे को अपनी टर्न का भी इंतज़ार रहता है। और वो चीज़ें जो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे में, मेरे स्टूडेंट में इम्प्रूव हो, आप उसमें उस बच्चे को वो करता हुआ पेश करें स्टोरी में, और पपेट्स को यूज़ करें। आई होप यू विल डू इट ग्रेट। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी और आपको पसंद आई होगी। तो फिर बस मेरे लिए एक फेवर कर दें कि वीडियो को लाइक कर लें, और अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी आने वाली नई वीडियोस तक अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला जल्द मैं अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर होंगी। उससे पहले अगर आपको किसी टॉपिक पे मेरी तरफ से कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय बाय। Thank you, Allah Hafiz.